तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 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 के अंदर आते हैं रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, प्रीमाटा और कार्निवोरा, ये दोनों के दोनों ऑर्डर हैं और ये एक क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं। कौन से क्लास के अंदर? मैमेलिया, ठीक है। अब प्रीमाटा के अंदर आते क्या क्या हैं? प्रीमाटा के अंदर आते हैं मोंकी, गोरिल्ला, गिबोन और भी जैसे हम इंसान ह्यूमन बींग्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रीमाटा के अंदर। कार्निवोरा, कार्निवोरा इंक्लूड टाइगर, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, ओके। अब जैसे कि हम शुरू से देखते आए हैं, क्लास के अंदर भी हमने देखा है कि क्लास के अंदर सारी रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऐसे ही फाइलम के अंदर जितनी भी रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? फाइलम के अंदर। फाइलम इंक्लूड रिलेटेड क्लास, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये क्या है? ये है क्लास। और ये किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? ये इंक्लूड होती हैं कोर्डेटा के अंदर, ठीक है, ओके। अब किंगडम, किंगडम के अंदर क्या आती हैं? रिलेटेड फाइलम्स। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं फाइलम। तो जितनी भी रिलेटेड फाइलम्स होती हैं, जितनी भी जिनके कैरेक्टर ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनको हमने किस में रख दिया? किंगडम के अंदर। किंगडम इंक्लूड रिलेटेड फाइलम्स। अब जैसे एग्जांपल हम जानते हैं, हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मेनली हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं। तो उसके अंदर हमने हमारी किंगडम कौन कौन सी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन किंगडम्स के अंदर जैसे हम एनिमल किंगडम की बात करें, तो एनिमल किंगडम में एक ग्रुप होता है फाइलम का जिसका नाम है कोर्डेटा, ठीक है, ओके। अब ये तो हुई किताबी बातें जो कि किताबों में लिखी हैं, और ये थियोरेटिकल बातें जो कि हमें थोड़ी समझ में नहीं आती, तो हम एक फ्लो चार्ट से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जांपल किंगडम, किंगडम एक हाईएस्ट कैटेगरी है और सबसे छोटी कैटेगरी जो होती है, लोएस्ट कैटेगरी, वो होती है स्पीसीज, ठीक है, ओके। अब किंगडम, किंगडम का एक एग्जांपल ले ले, हम एनिमल किंगडम की ही बात करेंगे, एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ी है फाइलम्स, कौन कौन सी फाइलम पढ़ी हमने? प्रोटिस्टा, वो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और भी पढ़ी हमने मोलस्का, कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। तो इंक्लूड वेरियस फाइलम, किंगडम के अंदर क्या आएंगी? अलग अलग फाइलम आएंगी। किंगडम भी हमने पांच तरह की पढ़ी है, कौन कौन सी किंगडम पढ़ी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के लिए हम यहाँ पर फाइलम वर्ड ना यूज करके हम यूज करते हैं डिवीजन, और एनिमेलिया में हम यूज करते हैं, एनिमेलिया में यूज करते हैं हम फाइलम, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइलम्स होंगी। अब उनमें से हमने एक फाइलम ली कोर्डेटा, कोर्डेटा एक फाइलम है, ठीक है, वेरियस फाइलम में से एक फाइलम है कोर्डेटा। अब कोर्डेटा के अंदर भी हमने इसे कैटेगराइज करा अलग अलग ग्रुप्स में। अब उन ग्रुप्स को, जो अलग 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 ग्रुप्स बने, उनको हमने बोला ये सारी क्लासेस हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम क्लासेस के, जैसे कि पीसीज, पीसीज को ये कैरेक्टरिस्टिक ली, उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी पीसीज के अंदर डाल दिए। ऐसे ही मैमेलिया, मैमेलिया एक क्लास है जिसको हमने किसके आधार पर इस ग्रुप में डाला है कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ओके। अब मैमेलिया, मैमेलिया क्या है? एक क्लास। अब इन क्लास को भी हमने अलग 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 ग्रुप्स में कैटेगराइज करा, ठीक है, ओके। कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ये जो अलग अलग ग्रुप्स में हमने कैटेगराइज करा उनको हमने बोला ऑर्डर, ठीक है। तो ये ग्रुप हमें दो दिख रहे हैं, प्रीमाटा और कार्निवोरा, ठीक है। तो प्रीमाटा, हमने प्रीमाटा के एग्जांपल यहाँ पर देखे थे, मोंकी, गोरिल्ला, गिबोन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल है प्रीमाटा के, और ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं ऑर्डर के अंदर, ओके। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कार्निवोरा का, ठीक है, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा के भी हमने अलग 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 ग्रुप्स में कैटेगराइज करा। तो ये जो ग्रुप में हमने कैटेगराइज करा, इनको हमने बोला फैमिली, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल करके देख रहे हैं, तो इसमें इतना ही करेंगे हम। अब इसका जैसे ये है फैमिली, एक फैलाइड, फैलेड और एक कैनिड, ठीक है, ये क्या है? हमारी दो फैमिली है। अब फैलेड को हम देखते हैं,
फैलिड क्या है? फैमिली। ऐसे ही इसी तरीके से इसको भी हमने अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करा, ठीक है, जिसको हमने बोला जीनस। एक जीनस पैंथेरा, एक जीनस फेलिस, ठीक है। अब पैंथेरा को भी हमने फिर दोबारा अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रुप बना हमारा, ठीक है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेरिडस और पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? ये है ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? लोएस्ट ग्रुप, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये कैरेक्टर एक पॉपुलेशन में कॉमन होंगे और ये रिप्रोडक्टिवली दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड होंगे। अब मैं एक और बात बता देना चाहता हूं इसमें कि ये जो मैमिलिया है या फिर कॉर्डेटा है, ठीक है, इस पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम किसी भी एक ग्रुप को उठा लें तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्सा, ठीक है। तो यहां से आपको टैक्सा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। असल में टैक्सोनॉमिकल एड्स है क्या चीज? तो इसके अंदर होता है कलेक्शन ऑफ सैंपल और प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सैंपल ले लें, या तो वो लिविंग हो, ठीक है, या फिर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रख सकते, जैसे कि अलग अलग हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो किसी में तो लिविंग ले लेंगे और किसी में उसका कोई पार्ट, या फिर उसके मरने के बाद में हम प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर सैंपल होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म होगा। अब बात यह है कि इनका काम क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड मेनली यूज किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन क्यों? हमें अगर मान लीजिए हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म देखा या फिर कोई पुराना ऑर्गेनिज्म देखा, तो हम ये जान पाएंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहाँ पर सेट होगा, मतलब कहाँ पर इसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा जाए। ओके, अब देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम के अंदर हम प्लांट के स्पेसिमेन को, प्लांट को के किसी पार्ट को हम ड्राई करके शीट्स पर प्रिजर्व कर लेते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर हम लिविंग प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसके बोटेनिकल नेम की और उसके फैमिली की। तीसरा म्यूजियम, म्यूजियम मेनली हमें देखने को मिलते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, या तो आपने स्कूल में भी देखा होगा अपने स्केलेटन लटका होता था एक लैब के अंदर, तो वो आपके स्कूल में म्यूजियम ही था, ठीक। उसके बाद में देखेंगे हम जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या होता है, हम एनिमल्स को उनके जैसे कि वाइल्ड इन्वायरमेंट होता है, वेल प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर हम उन्हें रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम होती क्या चीज़ है? मेनली ये है स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, जहाँ पर, अब ये स्टोर हाउस है तो स्टोर किस चीज़ को कर रही है? ये स्टोर कर रही है हर्बेरियम शीट्स को। उन हर्बेरियम शीट्स के अंदर है क्या, अब देखते हैं। सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है वो सिस्टमैटिकल होती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। एक बात नोट करने वाली है यहाँ पर कि हर्बेरियम के अंदर हमें बस और बस प्लांट के स्पेसिमेन ही देखने को मिलते हैं, एनिमल के स्पेसिमेन हमें हर्बेरियम के अंदर देखने को नहीं मिलते। विच आर प्रेस्ड, जो कि क्या कर जाते हैं, प्रेस्ड कर जाते हैं और प्रिजर्व कर दिए जाते हैं हर्बेरियम सीड के अंदर। किसका यूज करके? हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज करके उन्हें प्रिजर्व करते हैं। अब हर्बेरियम सीड के अंदर ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? डेट होगी एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस दिन वो पाया गया स्पेसिमेन, जो जिस दिन हमने उसे कलेक्ट करा और किस प्लेस से हमने उसे
कलेक्ट करा, ठीक है, उसका इंग्लिश नेम होगा, लोकल नेम होगा और बोटैनिकल नेम होगा। बोटैनिकल नेम को हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी फैमिली होगी कि वो प्लांट, वो स्पेसिमेन किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कलेक्टर्स नेम, जिस बंदे ने उसे कलेक्ट किया है, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में। बोटैनिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, इनके अंदर जो हर्बेरियम शीट के अंदर हमने पढ़ा था, हर्बेरियम शीट के अंदर हमने कोई पार्ट ले लिया था प्लांट का जो कि ड्राइड करा था, हमने उसे प्रिजर्व कर दिया, मतलब वो लिविंग नहीं था। लेकिन बोटैनिकल गार्डन के अंदर जो हमने प्लांट का पार्ट लेंगे, जो हम प्लांट लेंगे वो लिविंग होगा, ठीक है, उसे हम ग्रो कराएंगे, ठीक है। ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, किसके लिए ग्रो कराते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हम उसे ग्रो कराते हैं, ठीक है। लेबल इंडिकेटिंग बोटैनिकल नेम्स, इसके ऊपर प्लांट के ऊपर जो लिविंग प्लांट है उसके ऊपर एक लेबल होगा जो उस क्या किस किस चीज को इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा उसके बोटैनिकल नेम को और प्लांट की फैमिली को, ठीक है। लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ये पाया गया, ये है इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर, क्यू एक नाम की जगह है लंदन के अंदर, वहां पर ये सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है। इंडिया के अंदर भी हैं, जैसे IBG इंडियन बोटैनिकल गार्डन, ये हावड़ा के अंदर है, ठीक है। NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं, किसके अंदर, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, ओके। इंसेक्ट के लिए हम जो प्रिजर्वेशन यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन मतलब इसको प्रिजर्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उसे किल करेंगे, उसको पिन करेंगे, ठीक है, और उसे इंसेक्ट बॉक्स में हम स्टोर करके रखेंगे म्यूजियम्स के अंदर। अच्छा, कुछ एनिमल्स को हम स्टफ बनाकर भी रखते हैं, उसके अंदर के सारे पार्ट्स को निकाल लेते हैं और उसे माइनस टेम्परेचर पर ले जाकर उसे प्रिजर्व कर लेते हैं सॉल्यूशन में डालकर। जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स। यहाँ पर क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उनके नेचुरल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें उनके अंदर उनकी हैबिट्स क्या है, ठीक है, उनके बिहेवियर को हमें यहाँ पर स्टडी करने में हेल्प होती है। जैसे कि दिल्ली में एक सिचुएटेड है, बच्चे वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। की क्या होती है, इट कैन बी अ वर्ड और फ्रेज, ये क्या होती है, एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किसके लिए यूज होती है ये, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज होती है। ऑन सिमिलैरिटी एंड बेस्ड किस चीज पर होती है ये, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं कपलेट, और हर एक कैरेक्टर को हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा हम यूज करते हैं प्लांट के लिए मेनली, द प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन या फिर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कौन कौन से तरह के प्लांट पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से तरह के प्लांट पाए जाते हैं, या फिर किसी एक जियोलॉजिकल टाइम में किस किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम लोग, फना, फ्यूना। फ्यूना हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए और फ्लोरा हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। मैनुअल्स, अ हैंडबुक प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल क्या है, एक ही हैंडबुक होती है, ठीक है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में विथ ऑल द किसी एक स्पीसीज की, विथ ऑल द फैमिली, सारी सारी फैमिली की, जेनरा की, स्पीसीज की और साथ में की, ठीक है, ओके। किसी एक एरिया में कितनी तरह की फैमिली पाई जा रही है, जेनरा पाई जा रही है, स्पीसीज पाई जा रही है और साथ में उनकी कीज में, ओके। अब मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या है, इट इज अ बुक और एसे, ये क्या है, या तो एक बुक कह देते हैं हम या फिर एक एसे, विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्रीहेंसिव, विच गिव कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट जीनस, जो कि हमें किसी भी
एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में ही, ठीक है, या तो वो जीनस हो सकती है, या फिर वो किसी एक फैमिली के बारे में बता दें, या फिर हमें कोई एक हायर कैटेगरी के बारे में बता दें। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि मोनोग्राफ के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, ठीक है, ओके। उसके बाद में कैटलॉग, कैटलॉग आप लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे तो सबसे पहले आपको जो वेटर होता है वहाँ का, वो आपको एक लिस्ट लाकर देता है जिसमें कि आपको बताता है, ये बता, वो जो लिस्ट होती है उसमें आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है, मतलब उस रेस्टोरेंट में अवेलेबल्स अवेलेबल है। तो कैटलॉग, वो उसे हम क्या बोलते हैं, वो जो लिस्ट दी उसने वो असल में है क्या, कैटलॉग। अब आप लोग किसी बोटेनिकल गार्डन में घूमने गए या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के लिए गए तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक कैटलॉग मिलेगा जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, एक कंप्लीट लिस्ट किसकी, ऑर्गेनिज्म्स की, टिपिकली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस में होगा ये, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा या फिर किसी अदर सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये पाया जाएगा, ये चीज कैटलॉग होती है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हमारी आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही वर्क करते रहें तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।